वेलकम बैक टू माय चैनल आरती मेकओवर तो आज है क्लास नंबर फाइव और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन क्या होती है कैसे की जाती है और क्यों करते हैं करने का सही तरीका बताने वाली हूँ और कितने टाइप की वैक्सीन होती है वो सारी डिटेल्स में आज आपको बताने वाली हूँ थ्योरी विद प्रैक्टिकल दोनों दिखाने वाली हूँ तो आई होप लास्ट वाली जो भी मैंने अभी तक क्लासेस लिया है वो सब आप लोग को क्लियर होगी अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम यहाँ पे आपको हैंडल दिख जाएगा आप मुझे वहां पे जाके डीएम करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो और मैं आने वाली हूँ संडे को लाइव तीन बजे तो आप वहाँ पे भी मुझे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है एंड आज भी जो मैं आप लोग को डिटेल्स बताने वाली हूँ वैक्सीन के बारे में उसकी मैं आप लोग को पूरी थ्योरी बताने वाली हूँ जो कि मैंने यहाँ पीछे लिख रखा है तो वो आप लोग जरूर अपने एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आगे जाके कोई भी डाउट ना रहे तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक एंड शेयर कर देना बहुत सारे लोगों को शेयर करना ताकि जिनको भी सीखना है उन तक ये वीडियो पहुंच सके जल्दी से जाके चैनल को लाइक कर दो यार एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि वैक्सीन क्या होती है वैक्सीन कैसे की जाती है करने का सही तरीका क्या होता है उसका सारी डिटेल्स में बताने वाली हूँ आपको छोटी छोटी चीजें एंड अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए ना तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वैक्सिंग क्या होती है वैक्सिंग एक हेयर रिमूवल प्रोसेस होता है जिससे हम हमारे हाथ के पैर के जो भी अन इवन हेयर्स होते हैं बॉडी के उनको रिमूव कर सकते हैं तो वैक्सिंग करने के लिए सबसे पहले बताऊंगी कि क्या क्या टूल्स लगेंगे आपको तो यहाँ पे ये इसकी पूरी थ्योरी जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखी है तो सबसे पहले बताते हो कि क्या क्या प्रोडक्ट्स लगेंगे आपको तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा वैक्स हीटर एक स्पैचुला उसके साथ चाहिए होगा वैक्स स्ट्रिप्स आपको चाहिए होगा वैक्सिंग जो बहुत सारी वैरायटी की आती है लूज़ पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं या फिर पॉन्ट्स टेलीकॉम पाउडर कोई भी मसाज क्रीम चाहिए होगी साथ ही चाहिए होगा आपको स्पंज या नैपकिन कुछ भी एक चीज़ ये सारे प्रोडक्ट्स ज़रूरी होते हैं वैक्सिंग करने के लिए फिर बताते हो आपको टाइप्स के क्या क्या टाइप्स के होते हैं बहुत सारे टाइप्स की वैक्सिंग आती है सबसे पहले बताऊंगी आपको मैं नॉर्मल वैक्स देन आएगा चॉकलेट वैक्स फिर आता है डेटेन वैक्स एलोवेरा वैक्स इसमें बहुत सारे फ्लेवर आते हैं लाइक जैसे व्हाइट चॉकलेट आता है डार्क चॉकलेट आते हैं ऐसे बहुत सारे फ्लेवर आते हैं और ये सारे नॉर्मल वैक्स में ही आते हैं फिर आता है एक रिका वैक्स इसको हम ऑयल वैक्स भी बोलते हैं बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि रिका क्या होता है ऑयल क्या होता है बट ये दोनों सेम होता है फिर आता है बीन वैक्स ब्रिजिलेन वैक्स कटोरा वैक्स ऐसे बहुत सारे वैरायटी के वैक्स आते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको सात से आठ वैरायटी दिखाई है और सारे का प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन वैक्स कैसे किया जाता है तो आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नॉर्मल वैक्स कैसे करते हैं जैसे आप नॉर्मल वैक्स चॉकलेट डीटिन एलोवेरा ये चारों को आपको करने का प्रोसेस सेम ही है जैसा कि मैं आज आपको बताऊंगी फिर ऑयल वैक्स जो होता है उसका बहुत डिफरेंट प्रोसेस है बीन वैक्स का डिफरेंट प्रोसेस है ब्रिजिलियन का कटोरा का इन सब का बहुत डिफरेंट प्रोसेस होता है तो इसका प्रोसेस मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी अभी मैं आप लोग को आज मैं आपको नॉर्मल वैक्स करके दिखाऊंगी कि कैसे करना है आपको सही तरीका क्या होता है तो यहाँ पे अभी मेरे पास जो भी वैरायटी का वैक्स अवेलेबल है ना मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ तो सबसे पहले यह हनी बी का नॉर्मल वैक्स फिर आता है उसी का डिटेन मिल्की वाइट चॉकलेट वैक्स है फिर डार्क चॉकलेट सब हनी वैक्स ही है एक आता है डिटेन वैक्स जो मैंने आपको बताया और लास्ट में ये वाला है ऑयल वैक्स तो सबको करने का तरीका अलग होता है सब मैं आप लोगों को एक एक वीडियो में डिटेल्स में बताऊँगी तो जो मैंने आपको बताया था टूल्स क्या क्या चाहिए सबसे पहले आपको चाहिए एक वैक्स हीटर बहुत सारे वैरायटी के आपको मिल जाएंगे सारी चाहिए स्पैचुला पाउडर पफ जो मैंने आपको दिखाया था वैसा रख सकते हैं फिर आपको छह स्ट्रिप्स स्ट्रिप्स भी बहुत सारी वैरायटी की आती है अभी हमें पास दो वैरायटी अवेलेबल है मैंने आपको दिखाई एक छोटी स्ट्रिप्स आती है एक बड़ी स्ट्रिप्स आती है और अब हम लोग क्या करेंगे हीटर को ऑन कर देंगे और यहाँ पे वैक्स थोड़ा सा निकाल लेंगे पर एक चीज़ ध्यान रखना अगर आप वैक्स निकाल रहे हो ना बहुत ज़्यादा मत निकालो जितना आपको चाहिए उतना थोड़ा कम ही रखो आप दोबारा निकाल सकते हो बट अगर आप ज़्यादा निकाल लोगे ना वो वेस्ट हो जाता है ऐसा नहीं है कि आप दोबारा उस वैक्स को यूज़ नहीं कर सकते लेकिन स्पेशली जब समर का टाइम चलता है ना तो नॉर्मल वैक्स जो होता है वो पानी छोड़ देता है वो तो उसमें फिर वैक्सिंग होती नहीं है हेयर रिमूव नहीं होते हैं तो आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा निकालना है तो अभी यहाँ पर हमने निकाल लिया उसको गर्म होने देते हैं और मेरे हाथ की ग्रोथ देख सकते हो तो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने रिसेंटली करवाया था पर थोड़ी बहुत ग्रोथ है तो यहीं पर हम लोग मैं आपको वैक्सिंग करके दिखाने वाली हूँ तो वैक्सिंग स्टार्ट करने से सबसे पहले ना आपको क्लाइंट को पूछ लेना है कि उनके हाथ में कोई मॉइस्चराइज़र कोई क्रीम तो नहीं लगी हुई है अगर कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइजर लगा हुआ है तो सबसे पहले उनको अच्छे से हैंड वॉश करना या फिर आप एक नैपकिन से अच्छे से हैंड को क्लीन कर लीजिए पूछ लीजिए क्योंकि अगर हाथ में मॉइस्चराइज़र या कोई भी टाइप की क्रीम लगी होगी ना तो वैक्स नहीं होगा हेयर रिमूव बिल्कुल भी नहीं होंगे फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये हेयर रिमूव हो क्यों नहीं रहे तो ये छोटी वाली छोटी छोटी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको अच्छे से हैंड वॉश करा देना है हैंड बिल्कुल ड्राई होना चाहिए उसके बाद आपको लगाना है पाउडर अच्छे से हाथों में जैसे कि मैंने एक पफ लिया है आप भी आप भी वैसा ही एक पफ यूज़ कर सकते हैं उसके बाद आपको स्टार्ट करनी है वैक्सिंग ऊपर से स्टार्ट करनी है लगाना आपको वैक्स लगाते समय ध्यान रखना है जिस साइड आपके हेयर है ना उसी डरेक्शन में आपको उनको वैक्स लगाना है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको पुल करना है वैक्स को स्ट्रिप्स को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करना है तो ऑलमोस्ट हमारे नीचे साइड बाल होते हैं और फिर हम लोग लगा के देखो उसको ऊपर साइड

करते समय ना बहुत लोगों के हाथ में पसीना आ जाता है तो आप बार बार थोड़ा सा अपने हाथ में पाउडर लगाते रहिए इससे पसीना नहीं आएगा तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना अब देखो हमने नीचे डायरेक्शन में वैक्स लगाई है अब ऊपर के डायरेक्शन में उसको अच्छे से प्रेसिंग करके हम लोग खींचेंगे और जब भी आप हा स्ट्रिप्स को खींचो ना तो स्किन को थोड़ी सी टाइट कर लेना ताकि पेन कम हो अगर स्किन लूज रहती है ना तो पेन ज़्यादा होता है और स्किन टाइट रहती है तो पेन कम होता है अब देखो हमने अच्छे से हाफ फोल्ड किया था स्ट्रिप्स को अब उसी हाफ़ को यूज़ करेंगे इससे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है स्ट्रिप्स उसके बाद आपको ना अच्छे से वैक्सिंग कर लेनी है तो इसी तरीके से नॉर्मल वैक्स चॉकलेट वैक्स इसके बहुत सारे फ्लेवर आते हैं आप वो सारे कर सकते हो स्ट्रिप्स करते समय भी ध्यान रखना मैंने आपको दिखाया था स्ट्रिप्स का ना दो तरीका होता है एक साइड ना थोड़ा सा कम दरदरा होता है और एक साइड थोड़ा प्लेन होता है एक साइड थोड़ा दरदरा होता है तो जिस साइड थोड़ी दरदरी होती है ना स्ट्रिप्स आपको उसी साइड से लगा के पुल करनी है अगर आप प्लेन साइड से लगा दोगे ना तो इतने अच्छे से हेयर रिमूव नहीं होगा हेयर्स रह जाते हैं तो जिस साइड दरदरा होता है ना थोड़ा सा स्ट्रिप्स आपको उस साइड से स्ट्रिप्स को पकड़ के ना अच्छे से टाइट

अब उसको करने के बाद आप एक कोई ऐसा स्पंज या फिर टिशू या फिर नैपकिन लेके ना हाथ को अच्छे से उनके क्लीन कर दीजिए और फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम या फिर कोई मॉइस्चराइज़र जेल मसाज क्रीम जो है उससे उनको अच्छे से मसाज दे दीजिए ताकि हाथ में जो भी जलन हो ना वो बिल्कुल कम हो जाए और दो दिन तक आपको हाथ पे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है एंड बहुत अच्छे से टैनिंग निकल जाती है अभी आप मेरा हाथ देखो कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है कितनी टैनिंग निकलगी एंड हेयर भी बहुत ही अच्छे से रिमूव होगा गए थे तो आपको ऐसे दो मिनट तक ना अच्छे से मसाज देनी मसाज का प्रोसेस का वीडियो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में अभी यहाँ पे एक रैंडमली आपको मसाज करनी है हाथ में ताकि जो भी जलन है ना वो कम हो जाए और ऐसे ही आपको पूरी वैक्सिंग कम्प्लीट करनी है आई होप आज मैंने आप लोग को जो भी डिटेल्स में बताया ना वो आप लोग को समझ में आया होगा और यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथ में बाल थे अभी मेरे हाथ में एक भी बाल नहीं बहुत अच्छे से रिमूव हो गया है बाल तो आप लोग भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को कैसा लगा ये वाला वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए टाटा टेक केयर